यार इस दुनिया में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो पबजी के बारे में ना जानता हो। पबजी एक तरह का प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बच्चे आकर खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, और लास्ट को एक विनर विनर चिकन डिनर का टैग लेके जाते हैं। और सभी बच्चों को उस गेम के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है कि जैसे कि उस गेम में कौन से गन्स होते हैं, कौन से स्नाइपर्स होते हैं। जैसे हमारा एयर गन्स में आ गया M416, M762, AKM, और हमारे स्नाइपर में आ गया K98, M24 एंड OM। और OM एक ऐसा गन है जो सभी बच्चों को पसंद है, क्योंकि इसका एक शॉट में ही एनिमी ख़त्म हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और मैं आ गया हूँ आपके लिए और एक नया वीडियो लेके। आज के वीडियो में हम ऐसे OM के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, AWM यानी OM स्टैंड्स फॉर आर्कटिक वेयरफेयर मैग्नम। OM एक तरह का बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है और इसको एक्यूरेसी इंटरनेशनल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। फैक्ट नंबर 2, OM स्नाइपर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को आराम से पोर्ट, ये एक तरह का बहुत ही ज़्यादा हाई ड्यूरेबिलिटी गन है। फैक्ट नंबर 3, अगर हम इसकी बुलेट्स की बात करें यानी OM की बुलेट की बात करें, तो इसमें बस मैग्नम राइफल कार्टिजेस ही यूज़ किया जा सकता है। और ये कार्टिजेस दो तरह के होते हैं, तो सबसे पहला 0.300 विंस्टर मैग्नम है और दूसरा 0.388 लपुआ मैग्नम है। फैक्ट नंबर 4, OM स्नाइपर एक तरह का लॉन्ग रेंज स्नाइपर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एनिमी बहुत ही ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पर खड़ा है, तभी भी आप उसको OM स्नाइपर से गिरा सकते हो। अगर हम इसके डिस्टेंस ट्रेवल्स की बात करें, तो 0.300 विंस्टर मैग्नम के केस में ये अप्रॉक्सीमेटली 1100 मीटर तक बुलेट जा सकता है, और अगर हम 0.338 लैपुआ मैग्नम की केस की बात करें, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 2475 मीटर तक जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप बाज़ार में जाते हो OM को ख़रीदने के लिए, तो उसको ख़रीदने के लिए आपको करीब करीब $8,000 यानी 5,60,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। और क्या आपको पता है और उसके बुलेट के कॉस्ट कितने होते हैं? अगर आप 20 बुलेट के कॉस्ट की रेंज देखें, तो ये नियरली 85,000 रुपीज़ है। फैक्ट नंबर 7, अगर हम OM स्नाइपर की यूज़ की बात करें, तो सबसे पहले इसको अफगानिस्तान वार एंड इराक वार में यूज़ किया गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या फिर आप इससे कुछ नॉलेज गेन किए हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पबजी खेलते हैं।